नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है वो मैथ के अंतर्गत साधारण ब्याज का है। दोस्तों साधारण ब्याज से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य रूप से पूछा जाएगा। दोस्तों आज मैं जितने टाइप के प्रश्न आपको कराने जा रहा हूँ केवल बस आपको इन्हीं टाइप के प्रश्नों का आपको जो है प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है। और जब आप एग्जाम से लौटोगे, एग्जाम सेंटर से जब बाहर निकलेंगे आप, तो आप खुद कहेंगे कि सर ने जो पढ़ाया था हूबहू वैसा ही क्वेश्चन, केवल वैल्यू चेंज करके आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से एक एक प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं और बहुत टफ नहीं आएगा, आसानी होगा, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। दोस्तों इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, वर्ड हैं, जिनका कि आपको अर्थ पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आता है आपका मूलधन, जिसको कि हम P से डिनोट करते हैं, P फॉर प्रिंसिपल। दोस्तों जब हम ठीक है जो आपका जो धन ब्याज पर दिया जाता है, ठीक है, जो धन आप ब्याज पे देते हो, मान लो कि 10,000 रुपए आपको ब्याज पे देना है, ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपए है ना उसी को हम मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो शब्द आपको देखने को प्राप्त होगा वो है दर, ठीक है, जिसको कि हम R से डिनोट करते हैं, R फॉर रेट। क्या होता है? R फॉर रेट होता है। और दर का मतलब है जितने परसेंट पर, जितने प्रतिशत पर ब्याज दिया जाता है। जैसे आप सुनते होंगे कि 10,000 रुपए 5% की दर से जो है हमने ब्याज पे दे दिया है, ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपए है वो मूलधन हो गया और जो 5% है वो हमारा क्या हो जाएगा, 5%। दर हमेशा प्रतिशत में होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दर हमारा जो है, समझ में आ गया ना, जितने परसेंट पे हम किसी धन को जो है किसी को ब्याज पर देते हैं वही हमारा जो है दर कहलाता है। अगला जो आपको शब्द सुनने को प्राप्त होगा वो है मिश्रधन, जिसे कि हम A से डिनोट करते हैं, A फॉर अमाउंट हो जाता है, ठीक है, A फॉर क्या होता है, अमाउंट हो जाता है, अमाउंट कुल धन होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए ब्याज पे दिए थे, कितना, 10,000 रुपए आपने ब्याज पे दिए और 5% पे, मान लीजिए आपने जितने भी प्रतिशत पे दिया हो, सपोज दैट कि हमको जितने परसेंट पे हमने ब्याज पे दिया, मान लीजिए 5% पे आपने दिया, ठीक है, आपने 5% पे दिया, ठीक है, आपने 5% पे दिया, तो आपको टोटल जो ब्याज प्राप्त होगा, टोटल जो आपको ब्याज प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, 500, कितना होगा, 500 प्राप्त होगा कि नहीं होगा, 500 प्राप्त होगा आपको ब्याज। और इसी 500 को जब आप इस 10,000 में जोड़ दोगे, ठीक है, कितना हो गया ये आपका 10,500 हुआ ना, तो ये जो 10,500 है यही आपका मिश्रधन कहलाता है। समझ में आ रही मेरी बात, कि मतलब जो ब्याज का पैसा है वो और जो आपका मूलधन है जब आप उसको जोड़ देते हैं तो वही आपका मिश्रधन हो जाता है, जिसको कि हम अमाउंट कहते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, तो मिश्रधन को अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कुल धन ब्याज सहित, ठीक है, ब्याज का पैसा जोड़ करके जब आप मूलधन में, ठीक है, ब्याज का पैसा जब आप मूलधन में जोड़ते हो तो वही हमारा जो है मिश्रधन निकलता है, ठीक। चलिए इसके बाद समय दे दिया जाता है भैया। अब जाहिर सी बात है जब आप ब्याज पे पैसा देते हो तो कुछ निश्चित समय के लिए देते हो, 1 साल के लिए दोगे, 2 साल के लिए दोगे, और जो ब्याज की दर होती है ध्यान दीजिएगा वार्षिक और मासिक दोनों होती है, ठीक है, तो ज्यादातर जो हमको पढ़ना है वो वार्षिक ब्याज की दर पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो समय क्या होता है कि जितने समय के लिए पैसा दिया जाता है, ठीक है, ब्याज पर, उसी हिसाब से जो है कि आपको पैसा मिलता है, ठीक। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपको जो है मूलधन दिया हुआ है कितना, 4,000 रुपए, मूलधन दिया है कितना, 4,000 रुपए, और जो ब्याज की दर है
वो दिया गया है कितना, 4%। ठीक, उसके बाद समय भी दिया गया है कि 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए जो है आपको ब्याज पे जो है पैसा ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि भैया ब्याज कितना प्राप्त होगा, ब्याज कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे जो बेसिक फार्मूला है, फार्मूला मैं लिख देता हूं, इसके लिए जो फार्मूला आपको याद करना है, ब्याज बराबर हो जाएगा पी गुणे आर प्रतिशत गुणे टी। ठीक है, आर प्रतिशत गुणे टी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मूलधन जो पी है, पी फॉर प्रिंसिपल ही तो हमारा मूलधन है, तो पी कितना दिया हुआ है मूलधन, 4,000 रुपए। आप कहेंगे सर 4,000 रुपए, और जो आर प्रतिशत है कितना है, 4% है, तो 4% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 4/100 हो जाएगा, और जो टी है वो कितना है, 2 वर्ष के लिए दे रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 8 = 32, 320 रुपए जो है ये ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, कितना, 320 रुपए जो है ब्याज प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में अगर आपसे पूछ देता कि मिश्रधन बताइए, इसी में अगर आपसे पूछ देता कि मिश्र धन बताइए, तो ये जो ब्याज का पैसा है, ये जो ब्याज है 320 रुपया, इसको जब आप मूलधन में यानी कि 4,000 में जब आप इसको जोड़ देंगे तो यही आपका क्या निकल जाएगा, 4,320 रुपया आपका मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए फॉर अमाउंट से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्याज जो होता है 320 रुपये हमारा निकला ब्याज, और मिश्रधन निकालने के लिए हमेशा मूलधन में इस ब्याज की जो राशि थी इसको जोड़ देंगे तो आपका टोटल अमाउंट जो है वो निकल जाएगा। चलिए आइए इसी तरीके से हम और प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों जैसे बोर्ड पे आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा कि 7200 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। यहाँ पे वर्ष नहीं दिया है, यहाँ पे महीना दे दिया है, कितना दिया भैया, 8 माह, लेकिन जो ब्याज की दर है वो 4% वार्षिक दर ही है। चलिए पहले देख लेते हैं दिया क्या क्या है। इसमें पी दिया है, पी फॉर प्रिंसिपल दिया है कितना, 7200 रुपया, कितना दिया है, 7200 रुपए, ये आपका प्रिंसिपल दिया है। और आर प्रतिशत जो दिया है दोस्तों, वो दिया है आपका 4% वार्षिक, 4% वार्षिक दिया है, और टी फॉर टाइम जो दिया है वो है आपका 8 माह। और इसमें निकालना क्या है, ब्याज निकालना है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वही निकालना है, वही आपसे जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो इसमें देखा यह जाता है कि दिया क्या क्या है और हमको निकालना क्या है। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल दिया है, आर फॉर रेट दिया है, टी फॉर टाइम दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो ये रेट है, जो ये रेट है, ये वार्षिक रेट दिया है, तो हमको जो समय है ना, ये 8 माह, इसको हमको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 बटा हम क्या कर दें, 12 कर दें। 12 क्यों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 से जब हम इसको भाग दे देंगे तो ये हमारा वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 4 × 8 और 4 × 3 = 12, 2/3 ये जो है हमारा, अब ये हमारा वर्ष में कन्वर्ट हो गया, माह की जगह पे अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईयर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो हमने फार्मूला आपको बताया था, पी गुणे आर प्रतिशत गुणे टी, यही तो बताया था भैया। तो पी हमारा कितना है, 7200, कितना है, 7200, और आर प्रतिशत कितना है, तो आप कहेंगे सर 4% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 4/100 हो जाएगा, और टी हमारा कितना है, तो हमने वर्ष में निकाला था कितना, 2/3। बस आपको इसी को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से ये जाएगा 2 और 4, 24 बार में, कितनी बार में, 24 बार में जाएगा। अब नीचे पूरा खत्म, बचा क्या क्या, 24 × 4 × 8, यानी कि 8 × 32, हाथ में आया 3, 8 × 16 = 3, 1992 रुपए जो है ये आपको पैसा प्राप्त होगा ब्याज के रूप में, यानी सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 192 रुपए, कितना आ जाएगा, 192 रुपए जो है सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी तरीके से जो अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 5600 रुपए पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। यहां पे अब डेट दे दिया है कि इस डेट से इस डेट के बीच में जो साधारण ब्याज है
5% वार्षिक दर से कितना होगा इस अमाउंट का। तो देखिए इसमें दिया क्या क्या है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि क्या क्या दिया है। तो भैया यहाँ पे दिया है पी, यहाँ पे पी दिया है कितना, पी फॉर प्रिंसिपल दिया है 5600। कितना दिया है, 5600 रुपए। और इसके बाद आपको जो आर दिया है, जो रेट का जो दर दिया है वो है 5%। कितना है, 5%। और अब टी दे दिया है, टी कितना कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 के बीच में जो है, ठीक है, के बीच का जो समय है उसी समय का जो है, उसी समय में जो है 5% दर से कितना पैसा होगा। अब दोस्तों हमको निकालना होगा कि इनके और इनके बीच में टोटल कितने दिन आ रहे हैं। तो ये 4 अप्रैल तो बीत जा रहा है, ठीक है, 4 अप्रैल के बाद से, यानी कि 26 दिन, ठीक, अगला महीना हमारा 31 का, और फिर ये 16 दिन, इनको आपको जोड़ देना है, 6 और 1 7 6 13, हाथ में आया 1 1 और 1 2 3 2 3 5 2 7, 73 दिन। कितने आ गए, 73 दिन। लेकिन टी हमने कहा कि आपको साल में निकालना है, मतलब वर्ष में निकालना है, तो ये 73 दिन है। अगर हम 365 से भाग दे दें तो क्या ये हमारा साल में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये 73 जो आपको दिख रहा है ये यहीं पे रखना है, और यहां पे आपको 365 रख देना है, ठीक है। तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जो है फार्मूले में रख देना है, और फार्मूले पे रखने के लिए मैंने बताया था कि जो आपका SI है यही हमको निकालना है। तो पी गुड़े आर प्रतिशत गुड़े टी, ये फार्मूला हो गया। पी कितना है, 5600, कितना है, 5600 है, और आर का ये 5% है, तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे, 5 गुड़े 5/100, और गुड़े टी कितना दिया है, तो 73/365, ठीक है। अब जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा 5 बार में कट जाएगा, काट के देख लीजिएगा, 7 5 35 और 3 5 15, ये हमारा 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, हमारा कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 56, ये क्या आया है, ये ब्याज आ गया है, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी धन का साधारण ब्याज की 25/4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन जो है वो 6650 रुपए है, तो वह धन क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि समय दे दिया है, समय दे दिया है कितना, 3 वर्ष, और ए फॉर अमाउंट यानी मिश्रधन जो है आपको दे रखा है कितना, 6650 रुपए। मिश्रधन वही होता है जो आपका पी, पी है ना, मूलधन और ब्याज, जो आपका ब्याज है इनको जब जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या हो जाता है, मिश्रधन है, मिश्रधन कुछ अलग से नहीं है, ठीक है, आपको मैंने बताया था पहले ही। तो आपका जो मिश्रधन है वो कितना दिया है, 6650 रुपए है, कितना दिया है, 6650 रुपए, और जो ब्याज की दर है वो कितना दिया है, मतलब आर, आर कितना दे दिया है, तो दोस्तों 25/4% आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी कि जो आपका मूलधन है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो आपको आर प्रतिशत दिख रहा है, जो दर दिख रहा है 25/4, इसको आपको बदल लेना है किसमें, भिन्न में, तो ये 400 हो जाएगा जब प्रतिशत हटाएंगे, तो 25/400 यानी कि 1/16, क्या हो गया, 1/16। अब हमने मान लिया कि ये जो प्रिंसिपल है ये कितना है, 100 यूनिट, कितना है, 100 यूनिट। अब 100 यूनिट का 1/16 जो है ये आपको 3 वर्ष के लिए कर देना है, कितना कर देना है, 3 वर्ष के लिए कर देना है। तो जब 3 वर्ष के लिए आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 चौका 16 और 4 से 25 बार में 25 75/4, कितना हो गया, 75/4। इसको हम जब काटेंगे तो 4 1 4 4 8 32 4 7 28 और ये 18.75, ये हमारा जो है यूनिट में है, ये हमारा यूनिट में है। तो ये तो हमारा ब्याज निकला है, ये हमारा क्या निकला है, 100 यूनिट का 25/4% की दर से ये हमारा ब्याज निकल गया। टोटल हो कितना गया, जब ये ब्याज आप जो है जब इसको आप जोड़ दोगे, ठीक है, जब इसको आप इसमें 100 यूनिट में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे सर 118.75 यूनिट, और इसी का वैल्यू कितना दिया है, 6650, जो आपका मिश्रधन है। भाई मिश्रधन तो यही ना हो गया कि आपने ये जो 18.75 यूनिट निकाला है, ठीक है, ये हमारा यही तो है पी गुड़े आर गुड़े टी, यही हमारा ब्याज निकलता है, तो ब्याज हमारा यूनिट में निकल गया,
और हमारा जो मूलधन था वो भी यूनिट में था, तो इसको इसको हमने जोड़ दिया और ये हमारा मिश्र धन हो गया। लेकिन ये तो हमारा जो मिश्र धन है ये यूनिट में है, लेकिन रुपए में कितना दिया है मिश्र धन, ये दिया है, तो हमने इसके बराबर रख दिया। ध्यान ध्यान में रखिएगा बात को, ठीक है। अब एक एक यूनिट का जो वैल्यू निकल जाएगा यहां से 56 रुपए निकलेगा। कितना निकलेगा? 56 रुपए। आप काट के देख लेना, ठीक है। आप इसको जो है 66, इसको जब आप काटोगे, ठीक है, तो यहां पे 2 जीरो बढ़ा लोगे और यहां पे ये दशमलव हट जाएगा। अब जब आप इसको काटोगे ना, तो आपको जो है यही 56 प्राप्त होगा। और आप जानते हैं कि जब एक यूनिट का मान 56 है तो हमसे पूछ क्या रहा है, 100 यूनिट, यानी कि हमको मूलधन ही तो निकालना था, तो 100 यूनिट हमको निकालना होगा। तो 100 गुणे 56 यानी कि 5600 रुपए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। और यही 5600 हमारा जो है आंसर होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को कि सबसे पहले ये दर हमारा जो है भिन्न में दिया था, ठीक है, तो इसको जो है हमने जब चेंज किया, ठीक है, 25/4% को जब हमने भिन्न में बदला तो 1/16 आ गया। अब 1/16 हमने मूलधन नहीं दिया था, मूलधन निकालना था, तो हमने मान लिया मूलधन 100 यूनिट का रहा होगा। तो 100 यूनिट का हमने 1/16 निकाला 3 वर्ष के लिए, जो कि हमारा ब्याज के रूप में यूनिट निकल के आ गया 18.75। जब 18.75 को हमने 100 यूनिट में ऐड किया तो हमारा मिश्र धन निकल गया। मिश्र धन आपको दिया था 6650, जो कि बराबर था 118.75 यूनिट के, ठीक है। तो एक यूनिट हमारा बराबर होगा 56 के, तो 100 यूनिट कितने बराबर होगा, 5600 रुपए के। समझ आई मेरी बात? चलिए अब दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 8400 रुपए है, तथा 7/2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 9075 रुपए हो जाता है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। समय कह रहा है कि जो 2 वर्ष का मिश्र धन है, जो 2 वर्ष का मिश्र धन है कितना है, 8400 रुपए। ये क्या है, ए है, ए फॉर अमाउंट, मिश्र धन, ठीक है। फिर अगले लाइन में कह रहा है 7/2 वर्ष, कितना कह रहा है, 7/2 वर्ष, यानी कि 3 सही 1/2 वर्ष, 3.5 वर्ष का जो 3.5 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है, तो 9075 रुपए, ठीक है, ये मिश्र धन है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 3.5 वर्ष कह रहा है ना, इसमें कह रहा है 7/2 वर्ष, तो 7/2 को जब आप इसमें बदलेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2/3 6, और ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि भैया मूलधन और ब्याज की दर बताइए। आपसे पी पूछ रहा है और आपसे आर पूछ रहा है, ठीक है, आर प्रतिशत पूछ रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब भी इस तरीके का प्रश्न आपसे दे कि वर्ष दे दे अलग अलग और सेम अमाउंट पर, सेम रेट पर आपसे जो है मिश्र धन भी आपको दे दे, तो इन दोनों का आपको क्या ले लेना है, अंतर ले लेना है। वर्षों का अंतर अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे सर एक सही 1/2 वर्ष हो गया, ठीक है, 1 सही 1/2 वर्ष हो गया। अरे भैया 2 और 3.5 वर्ष का जो अंतर होगा वो 1.5 ही तो होगा, तो 1.5 को ऐसे लिखते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 वर्ष, ठीक है, ये हो गया अंतर वर्ष का। अब इनका इनका जब आप अंतर लेंगे तो आएगा यहां पे 5, 7, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 6675। कैसे, 9 अंतर का मतलब बड़े वाले में से हम छोटे वाले को घटा देते हैं, ठीक है, तो 8400, ये हो गया 5, ये हो गया 7, 10 में से 4 गया 6, यहां पे 8 बचा, 8 में से 8 गया 0, ठीक है, तो आपका कितना आ गया 775। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 सही 3/2 वर्ष का इतना ये क्या आया है, ये आपका आया है ब्याज, ये क्या आया है, ब्याज आया है। तो अगर मैं पूछूं 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा पास, ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये 3 आ जाएगा नीचे, 3 से जब इसको काटेंगे, 3 × 6 × 6 × 6 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, 1 × 2 = 4 × 5 × 2 = 450, ये क्या आया, 1 वर्ष का जो है ये आपका ब्याज आ गया। तो ध्यान दीजिएगा कि हमको मूलधन निकालने के लिए सबसे पहले जो है किसी भी इसमें जो है आप मान रख सकते हैं 450 का, तो ये 2 वर्ष वाले में हम रखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इसे 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये तो हमने 1 वर्ष का ब्याज निकाला है ना, तो 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 450 × 2 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 900 रुपए, ये 2 वर्ष का ब्याज हुआ। और 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है, 8400 रुपए दिया है। तो आप जानते हैं कि जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन होता है वो मूलधन और ब्याज का जो योग है वही मिश्र धन होता है। तो
आपसे अगर मैं पूछूं कि मिश्रधन दिया है क्या, आप कहेंगे हाँ सर 8400 रुपए दिया है। अब ये 900 रुपए क्या दिया है, ये तो आपका ब्याज दिया है, तो यहां से हम पी निकाल सकते हैं 900 रुपए, तो यानी कि पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8400 माइनस 900, ठीक है। तो 8400 में से जब आप 900 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 7500, कितना आ जाएगा 7500 रुपए। ये आपका क्या आया 7500 रुपए, तो ये आपका आया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ये आपका क्या आ गया 7500, प्रिंसिपल आ गया मूलधन। अब हम रेट की बात करते हैं, रेट कैसे निकलेगा, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमको ब्याज प्राप्त हो रहा है, ये जो 900 का जो हमको ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है, दो वर्ष के लिए प्राप्त हो रहा है ना, दो वर्ष का हमको जो ब्याज प्राप्त हो रहा है कितना हो रहा है 900, तो ये 900 रुपए, ठीक है, 900 ब्याज हो गया। अब मूलधन कितना दिया है 7500, आर हमको पता है क्या, नहीं, वही निकालना है आर प्रतिशत ही तो निकालना है ना, तो बटा 100 गुणे समय कितना था, दो वर्ष का ये था ना ब्याज, देखिए यहां पे हमने दो से गुणा किया था, क्यों, क्योंकि दो वर्ष का हमको ब्याज निकालना था, एक वर्ष का जो ब्याज निकला था वो 450 निकला था, दो वर्ष का ब्याज 900 था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये दो जीरो से दो जीरो गया और ये दो से ये जाएगा 450 बार में, और 75 से ये जाएगा कितनी बार में, तो 6 बार में, कितनी बार में जाएगा 6 बार में, ठीक है। तो हमारा जो ब्याज का जो दर निकल गया वो कितना निकल गया, तो 6%, कितना निकल गया 6%। ये कोई अलग से फार्मूला नहीं है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे आर प्रतिशत को हमने बदल दिया, भिन्न में प्रतिशत हटा दिया, तो नीचे 100 लग गया गुणे समय जो था टी था, ठीक है। तो वही हमारा जो है यहां से आर निकल गया कितना 6%, ठीक है। तो मूलधन और आर प्रतिशत आपसे पूछ रहा था, तो मूलधन कितना हो गया 7500 और रेट कितना हो गया, तो 6%। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 16000 रुपए की धनराशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया था, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया गया होता तो उसे ब्याज कितने रुपए और मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि 16000 रुपए पीक दे दिया है, जो प्रिंसिपल है वो दे दिया है 16000 रुपए, ठीक है। कह रहा है कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए दिया था, टी कितना हो गया 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष के लिए दिया था। अब कह रहा है कि जो ब्याज की दर है वो कितना है, तो जो आर प्रतिशत है वो कितना है, 5% है, ठीक है। कह रहा है जो ब्याज की दर है अगर उसको 2 और बढ़ा दिया गया होता तो उसे 196 रुपए और मिले होते हैं, ठीक है, 196 रुपए कम प्राप्त होता, तब मूलधन क्या होता, यानी कि जो दर है ना, ये दर जो है अगर 2% और बढ़ा देता तो उसे ब्याज कितने रुपए और मिलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, सबसे पहले आप यहां से निकाल लीजिए कि जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जो प्रिंसिपल है ये दिया हुआ है, तो ब्याज बराबर SI बराबर आप जानते हैं पी गुणे आर प्रतिशत गुणे टी, यही तो होता है। तो पी कितना दिया है 16000 रुपए और आर प्रतिशत कितना हो गया 5%, यानी कि 5/100 कर दे, गुणे टी कितना दिया है, तो 2 दिया है। अब 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहां से हमारा ब्याज कितना निकल जाएगा 5 × 10 और यहां पे हमारा आ गया 1600 रुपए, ये हमारा ब्याज आया है दोस्तों। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो 1600 रुपए आया है ना, ये हमारा आया है 5% की दर से। इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहे 2% अगर और बढ़ा देता, यानी कि ये जो आपका दर है ना, ये जो दर है इसको 5% से बढ़ा करके अगर 2% और बढ़ा देता यानी 7% कर देता, तो पी गुड़े आर प्रतिशत गुड़े टी, ठीक है, तो पी कितना, पी उतना ही रहता, लेकिन जो दर है, दर में परिवर्तन करके उसको 2% और बढ़ा दिया गया, यानी 5 से कर दिया गया कितना 100, ठीक है, 5 से कर दिया गया कितना 7%, 7/100 गुड़े समय हमारा ये 2 ही रहेगा, ठीक है, 2 वर्ष के लिए ही। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 × 14, 14 × 14, 14 × 56, 14 × 56, 84, 14 × 84 हाथ में आया 8, 14 × 1 = 14 और 8 कितना हो जाएगा आपका 22 और यहां पे 10, ठीक है। तो अगर 7% की ब्याज से अगर वो धन देता तो उसको जो ब्याज प्राप्त होता वो 2240 प्राप्त होता। तो इन दोनों में कितना अंतर है, कुछ नहीं करना, इसी 1600 को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो यहां पे हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना, तो आप कहेंगे सर 640 रुपए जो है उसको
और प्राप्त होता, और यही 640 रुपए आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो 5% की जगह 7% वार्षिक ब्याज की दर से ये जो 16,000 रुपए है ये अगर देता तो उसको 640 रुपए और जो है मिले होते हैं। ठीक है, यही 640 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा है, यदि कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए 4.6% की दर से दी गई थी, यदि वह 3.2% की दर से दी गई होती तब उसे 196 रुपए कम प्राप्त होता, तब मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें क्या दे रहा है, इसमें आपको सबसे पहले मूलधन निकालना होगा। ठीक है, तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए हमको करना क्या है कि इसमें दिया क्या क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसमें R1 दिया है, R1 कितना दिया है तो 4.6%, और R2 कितना दिया है तो 3.2%, और समय जो समय है T दिया है 2 वर्ष। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अगर वो 4.6% की बजाय 3.2% की दर से अगर धन दिया होता, ठीक है, धन दिया होता तो उसे कितने कम मिलते हैं, उसे 196 रुपए कम मिलते हैं। इतने रुपए उसे कम प्राप्त हुए होते हैं, लेकिन प्रतिशत में कितना कमी कर रहा है, प्रतिशत में कमी कर रहा है 1.4% का, और रुपए में कितना कम हो रहा है 196 रुपए का। इसको हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब यहां से मैं बोलूं कि 1% का वैल्यू कितना, तो आप कहोगे सर 196/1.4, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 14 × 14, 14 × 14 = 56, 140 रुपए आया, 1% का वैल्यू 140 रुपए। तो अगर मैं पूछूं 100% का वैल्यू होगा कि नहीं होगा, 14,000 रुपए होगा ना। अब ये 14,000 रुपए जो हमारा ये मूलधन आया है, ये जो मूलधन आया है ये कितने वर्ष के लिए भैया, ये 2 वर्ष के लिए है, ये 2 वर्ष के लिए है। तो अगर मैं बोलूं कि जो ये मूलधन है इसको हमको 1 वर्ष के लिए निकालना है, 1 वर्ष के लिए निकालना है, तो क्या करना होगा, ये इसी 14,000 को हम 2 से भाग दे दे, 2 से जब इसको भाग देंगे तो 7,000 रुपए जो है ये हमारा मूलधन आ जाएगा, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, और यही हमारा 7,000 आंसर होगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो प्रश्न पूछा जाता है वो गुना करके देता है। ठीक है, तो ये जो अगला टाइप का मैं प्रश्न कराने जा रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिख लीजिएगा, गुना पर आधारित प्रश्न। इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना 90% है। ठीक है, इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना 90% है। दोस्तों इसको आप लोग बिल्कुल जो है अच्छे से देख करके जाइएगा। जैसे क्वेश्चन कह देगा इस तरीके से, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, पूछ देगा आपसे कितने प्रतिशत वार्षिक, है ना, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि जो है, कोई जो पी है ये 8 वर्ष में, ठीक है, टाइम कितना दे दिया है 8 वर्ष में, कितने गुना हो जाएगा। गुना को हम हमेशा एन से डिनोट करेंगे, कितना गुना बोल रहा है, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है भैया, आर प्रतिशत निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, जो एन है ना, ये जो एन है 2 गुना, ठीक है, 2 गुना बोलेगा तो 2-1, 3 गुना बोलेगा तो 3-1, 4 गुना बोलेगा तो 4-1, इस तरीके से, ठीक है, 5 गुना बोलेगा तो 5-1, एन की जगह पे आपको जितना गुना बोलेगा बस वही रख देना है, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा टी और गुड़े 100, इसी को आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे चलिए आर प्रतिशत यहां पे हमको चाहिए, तो एन कितना दिया हुआ है 2 गुना ही तो बोल रहा है, और माइनस क्या रख देना है 1, और नीचे टी कितना दिया हुआ है 8 × 100, ठीक है, 2 में से 1 गया, 1/8 × 100, 4 × 8, 4 से 100 गया 25 बार में, तो 25/2 या आप कह सकते हैं 12.2% दर जो है आपका निकल गया। ठीक है, अब दोस्तों इसी टॉपिक पर आधारित कुछ इस तरीके से भी प्रश्न पूछ देता है कि यदि कोई धनराशि 7 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह अपने की 20 गुनी हो जाएगी। तो इस तरीके के प्रश्न के लिए जो ट्रिक है दोस्तों, सेम वही ट्रिक होगा, N1-1 T1 और N2-1/T2, ये आपको जो है रख देना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे कह रहा है कि कितने
कोई धनराशि है 7 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है, कोई धनराशि है वो 7 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जा रही है। तो यहाँ पे जो N1 दिया है वो दोगुना दिया है, कितना है दोगुना, और T1 कितना दिया है भैया, T1 जो है वो 7 दिया है, कितना दिया है 7 वर्ष, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि कितने वर्ष में वो अपने की 20 गुनी हो जाएगी, यानी N2 कह रहा है भैया 20 गुना, ठीक, और T2 कह रहा है कितना वर्ष, यही पूछ रहा है। तो बस रख देना है वैल्यू, N1 की वैल्यू कितना 2-1, T1 की वैल्यू कितना 7 बराबर, N2 कितना है 20-1, T2 कितना है यही निकालना है T2। चलिए 2 में से 1 गया 1, 7 नीचे, यहां पे 20 में से 1 गया 19 तो हुआ, ठीक है, यहां पे आपका कितना T2, तो T2 बराबर हो जाएगा आपका 19 × 7 यानी कि 133 वर्ष में, 133 वर्ष में जो है यह धन अपने की दुगुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं फार्मूला लिख रहा हूं ना आर प्रतिशत बराबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आर प्रतिशत बराबर, ये जो मैंने एक फार्मूला अभी लिखा था N-1/T1 × 100 यही तो लिखा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दर दिया है, ये जो दर दिया है कभी कभी दर दे देगा आपको, ठीक, कभी कभी आपको दर दे देगा और आपसे समय पूछ लेगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको आपको यहां पर लेके आ जाना है, ठीक है, टी को यहां पर रख देना है और आर को आपको यहां पर रख देना है। जैसे मान ली कोई धनराशि कितने वर्ष में, ठीक है, कोई धनराशि कितने वर्ष में 12.5% की ब्याज से अपने की दुगुना हो जाएगी। कोई धनराशि है कह रहा है कि ब्याज की दर दे रखा है, यहां पे ब्याज की दर दे रखा है 12.5%, कह रहा है कि एन दे दिया है दोगुना और पूछ रहा है कि कितने वर्ष में यह जो है अपने की दोगुना हो जाएगी। तो टी बराबर ये ट्रिक लिख लीजिएगा N-1/R × 100, ठीक है, तो टी हमको निकालना है, एन कितना 2-1, आर कितना है भैया, आर जो है आपका 12 / 1/2% यानी कि 25/2 × 100 यानी कि ऊपर हो जाएगा 1, ये 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है, तो 1/25 × 200 या 25 से हम 200 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 वर्ष में जो है यह धनराशि अपने की दुगुना हो जाएगी। अब दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि विश्वास ने कुल 30,000 रुपए उधार दिए, इसका एक भाग 12% की दर से तथा दूसरा भाग 10% की दर से दिया गया, यदि वह पूरा धन 2 वर्ष के लिए दिया गया हो तो औसतन 11% ब्याज की दर प्राप्त हुई, तब 10% पर दी जाने वाली धनराशि कितनी होगी। इस समय कह रहा है कि 30,000 रुपए है, टोटल जो अमाउंट है दोस्तों वो 30,000 रुपए है, कितना है 30,000 रुपए है, कह रहा है कि इसका एक भाग जो है वो 12% की दर से दे रहा है और जो दूसरा भाग है वो 10% की दर से दे रहा है और जो टोटल अमाउंट उसको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जो औसतन ब्याज प्राप्त हो रहा है, औसतन जो ब्याज की दर प्राप्त हो रही है उसको 11%, एवरेज रेट प्रतिशत कितना है 11%, ठीक है, तो कह रहा है कि तब उसको 10% की दी जाने वाली धनराशि कितनी होगी। समय दे दिया है, कितने वर्ष के लिए दे रहा है भैया 2 वर्ष के लिए, ठीक, तो 12% की दर से जब वो ब्याज पे पैसा देगा तो हमने बताया था कि 112 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ब्याज का मतलब क्या है, जब आप ब्याज पे पैसा देते हो तो आपका पैसा घटता है या बढ़ता है, आप कहोगे सर पैसा बढ़ेगा ना, आप पैसा दे रहे हो 10,000 को अगर आपने किसी को ब्याज पे दिया तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा 10,000 से कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो उसी तरीके से हमने मान लिया कि उसने जो है, ठीक, हमने मान लिया कि उसने 12% की जो ये दर है इस पे पैसा दिया तो 112 हो गया बढ़ करके, 10% की दर से दिया तो 110 हो गया। अब कह रहा है एवरेज रेट कितना हो गया भैया 11%, तो एवरेज रेट का मतलब 111 हो जाएगा बढ़ करके। अब इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, एलिगेशन ऐसे ही तो लगाते हैं, इन दोनों का अंतर कितना 1 और इन दोनों का अंतर कितना 1, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, तो अगर मैं बोलूं ये दोनों कितना हो गया मिलकर के 2, आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो 10% पर दी जाने वाली धनराशि है, ठीक, जो 10% पर दी जाने वाली धनराशि है वो कितनी है। तो भैया कुछ नहीं करना, 10 का हमारा रेशियो कितना था 1 और टोटल कितनी रेशियो है 2 × और ये रुपए में कितना पैसा था 30,000 रुपए, ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए आ जाएगा 15,000, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। अब दोस्तों अगला और लास्ट
जो आज का हमारा प्रश्न है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। यदि 15,000 रुपए की धनराशि को दो लोगों के बीच इस अनुपात में बांटा गया है कि पहले व्यक्ति को 15% की दर से तथा शेष बची धनराशि 10% की दर से उधार दिया गया, यदि 3 वर्ष के बाद औसतन 12% दर प्राप्त हुआ, तब 15% पर दी जाने वाली धनराशि क्या थी। इस समय जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 15,000 रुपए है। कितना है, 15,000 रुपए है, और इसको हमको दो लोगों के बीच में जो है बांटना है। ठीक है, दो लोगों के बीच में हमको बांटना है अलग अलग दर पर। ठीक है, मान लिया हमने दो व्यक्ति थे, ए और बी दो व्यक्ति थे, तो कह रहा पहले व्यक्ति को 15% की दर से, भैया पहले व्यक्ति को 15% की दर से, दूसरे व्यक्ति को शेष बची धनराशि जो है दूसरे व्यक्ति को 10% की दर से बांटा है। ठीक है, उधार दिया है 3 वर्ष के बाद। यहाँ पे समय कितना दे दिया है, 3 वर्ष। देखिए इस क्वेश्चन में समय का कुछ यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, दिया है तो लिख देते हैं। औसतन जो उसको ब्याज की दर जो प्राप्त हो रही है, एवरेज रेट प्रतिशत कितना प्राप्त हो रहा है, तो 12%। ठीक है, कह रहा है कि 15% पर दी जाने वाली धनराशि, यानी ए को जो धनराशि दे रहा है उसी का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 15% मतलब 115 बढ़ करके हो जाएगा, 10% मतलब 110 हो जाएगा बढ़ करके, मैंने बताया था ब्याज का पैसा बढ़ता है। एवरेज रेट कितना है भैया, 12%, तो 12% बढ़ करके कितना हो जाएगा, 112। इन दोनों का अंतर कितना, 2। इन दोनों का अंतर कितना, 3। दो संबंधे 3 रेशियो आ गया, रेशियो आ गया, कितना आ गया, 2:3 जो है हमारा ये रेशियो आ गया। अब आपसे पूछा ये 15% वाले का, तो 15% वाले का कितना है मान, 2, और नीचे हम इन दोनों का योग रखते हैं, इन दोनों का योग कितना है, 5। नीचे हमने 5 रख दिया, और अमाउंट कितना था, 15,000 रुपए, यही 15,000 हमको यहां रख देना है। 5 से जब इसको काटेंगे तो 3,000 और 2 तिहाई 6, यही 6,000 रुपए जो है उसने इस ए को जो है, जो पहला व्यक्ति था, 15% की दर से उसने 6,000 रुपए जो है उसको दिए थे। और इसी के साथ हमारा आज का साधारण ब्याज का क्लास समाप्त होता है। दोस्तों हमने हर एक टाइप के प्रश्नों को किया है, और यकीन मानिए इसके बाहर से नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। आपने अगर इस क्लास को अच्छे से देख लिया, मैं मानता हूं ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, इससे भी हार्ड थोड़ा सा होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चीजों को समझना है, चीजों को समझ लेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।